गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, आप लोगों ने चैप्टर रीड किया था? बोलिए, जितना मैंने चैप्टर रीड कराया था इतने आपने रीड किया था? यस मैम। तो इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट तो नहीं किए आप लोगों ने? आप लोगों ने मुझे सेंड भी नहीं किए? चलिए, आप लोगों का लॉस है, मेरा तो है नहीं इसमें। आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग काम नहीं करेंगे तो इसमें आप लोगों का लॉस है बेटा, मेरा नहीं है। मत करिए, मैं तो यही बोलूंगी आपको, आपको एक बार बोलूंगी, दो बार बोलूंगी, तीन बार बोलूंगी, हद मार के 10 बार बोल दूंगी बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। मैं कंटिन्यूसली बोलती रहूंगी आप लोगों को कि पढ़ो, इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करो। अब आप और के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग करते हो या नहीं करते। आप लोग अपना बेनिफिट चाहते हो, आप लोग अपने मार्क्स, अपना अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप लोग करोगे, अदरवाइज आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, तो मेरा काम है, मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको फोर्स करूंगी कि बच्चों करो करो, नहीं करोगे वो आप लोगों का अपना डिसीजन है। आप लोगों को करना है नहीं करना वो आप लोगों का अपना डिसीजन है। अगर आप लोगों को अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप लोग काम करोगे, नहीं चाहिए इसका मतलब आप लोग नहीं करके दे रहे काम। सीधी सीधी बात है, नहीं करके दे रहे तो मतलब आप लोग रिजल्ट ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मेरा बेनिफिट थोड़ी ना, मुझे तो मेरा रिजल्ट बना के देना है, मैं दे दूंगी। मुझे मेरा काम है, मैं आप लोगों को रीड कराऊंगी, रीड करा के छोड़ दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी, मीनिंग समझा दूंगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन आप लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, आप लोगों से इंटरेक्शन करके काम करवाया जा रहा है, काम कर रहे हैं, बार बार आपको फोर्स किया जा रहा है बेटा कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, आप लोग नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहते ही नहीं हो पढ़ना, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो इस टाइम पे। बेटा आप लोग ये चीज सोच रहे हो कि अगर मैं ये क्लास में रिपीट कराऊंगी स्कूल खुलने के बाद में, तो ये चीज आपकी गलत है थिंकिंग, अपने माइंड में भी मत रखना। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को दोबारा, मैं नॉर्मली बस थोड़ा बहुत समझाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाया जा रहा है इस टाइम पे। केयरलेस आप हो रहे हैं, लेजी आप हो रहे हैं, मैं नहीं। आप लोग अगर अपना रेगुलर काम सेंड करेंगे, आज से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप लोग अपना रेगुलर काम सेंड करेंगे ठीक है, वरना कल से मैं आपको बोलना छोड़ दूंगी। आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को पढ़ना है आप लोग पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आप लोगों का है, फेल हो जाना। मैं मार्क्स देने वाली नहीं हूँ आप लोगों को, एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दूंगी। अगर कोई बच्चा आधे नंबर से भी, 0.5 मार्क्स से भी फेल होगा तो वो फेल ही है, उसको 0.5 मार्क्स भी नहीं दूंगी मैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्यों? क्योंकि ये मतलब बेटा, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। आप लोगों को रेगुलरिटी से बोला जा रहा है इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करके मेरे को सेंड करेंगे, करा एक दिन भी? जितना आप पेपर सॉल्व करके आएंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं दूंगी। फेल हो रहे हो तो फेल ही होंगे बस। म्यूट करें मुदित अपना, कृतिका म्यूट करो अपना। अगर आप लोग अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैं मेरे तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ। एक महीना से ज्यादा हो चुका है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो, आप लोगों को बोलते हुए फाइंड आउट करो, इन बिटवीन फाइंड आउट करो, नहीं करते ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, मेरी मर्जी है, अब मैं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। पेज नंबर C28 निकालिए बेटा, पैराग्राफ नंबर सेकंड। पीपल हैव आल्सो द राइट टू होल्ड मीटिंग्स, मतलब कि हमने जो कल सैटरडे हमारा जो चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो पीपल है, इंडियन सिटीजन है, उनको अपनी वॉइस आगे बढ़ाने का, आवाज निकालने की, अपनी बात कहने की, अपनी मीटिंग करने की ठीक है, अपनी बात को टेलीविजन के थ्रू, रेडियो, न्यूज़पेपर्स के थ्रू बात बढ़ाने की, इन सब का उनको राइट है। तो ऐसे ही बेटा पीपल्स को ये भी राइट होता है कि वो अपनी मीटिंग मतलब कि सभा कहीं भी कर सकते हैं, बट उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दे मे टेक आउट प्रोसेशंस एंड होल्ड
डेमोन्स्ट्रेशन। बेटा प्रोसेशन का मीनिंग होता है जुलूस निकालना, ठीक है, प्रोसेशन का मीनिंग होता है जुलूस, और डेमोन्स्ट्रेशन का मीनिंग होता है प्रदर्शन करना, ठीक है। जैसे कि इंडियन सिटीजन्स को ये राइट है कि वो अपनी मीटिंग कर सकते हैं, सभा बैठा सकते हैं, उसी के साथ साथ उनको ये भी राइट है कि वो अपने जुलूस और अपनी प्रदर्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं बहुत सारी, जो कि अपने अपनी धरना प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, अपनी बात को मनवाने के लिए सड़कों पर उतर आती है, या फिर आप लोग अपने उसमें लेके चलिए अपने रीजनल उसमें लेके चलिए, जो हमारा धार्मिक है उसमें भी आप लोगों को पता है रैलियां निकलती है, कलश यात्रा निकलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती है अपनी बात को प्रदर्शित करने का। जैसे रीजनल्स में हम देखेंगे कि हमारी जो धर्म के आधार पर जो हम हमारी प्रदर्शन करते हैं जुलूस, वो क्या होता है, वो हम हमारी भक्ति दिखाते हैं कि हमारे धर्म में ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ठीक है। पॉलिटिकल वे से अगर हम देखें, राजनीतिक वे से अगर हम देखें कि धरना क्यों दिया जाता है, प्रदर्शन क्यों होता है, तो वो यही होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए ये सब चीजें की जाती है। दे मे कंपेन गवर्नमेंट टू रिकंसीडर सम ऑफ इट्स डिसीजन। बेटा म्यूट करो योगिता, योगिता बेटा म्यूट करिए अपनी। दे मे कंपेल गवर्नमेंट टू रिकंसीडर सम ऑफ इट्स डिसीजन, मतलब कि जो हमारी इंडियन, जो हमारी बेटा इंडियन लगा लीजिए सिटीजन है, इंडियन सिटीजन हैं, पीपल्स हैं, वो लोग पता है कंपेल कर देते हैं। और कंपेल का मीनिंग क्या होता है, मजबूर करना, ठीक है। कंपेल को अंडरलाइन करके आप ऊपर उसका मीनिंग लिख सकते हो, मजबूर करना, मतलब कि वो गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं किस चीज के लिए, कि जो उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन लिया है ना, उस पर दोबारा से विचार करो, उसको दोबारा से रिकंसीडर, मतलब कि फिर से विचार करो उसके लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया, ठीक है, रूल निकाल दिया, उसको लागू करवा दिया, लेकिन क्या होता है कई बार जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं वो उस रूल्स के अगेंस्ट होते हैं, है ना। जैसे कि जो हमारा किसान आंदोलन है, हम अभी यही लेके चलते हैं, हमारा जो फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा है, कि गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन लिया, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे बेनिफिशियल में नहीं है, ठीक है, तो वो लोग अपने अपने एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, और वॉयलेंस भी कर रहे हैं, मतलब कि हिंसात्मक भी हो जाते हैं कई कई बारी, ठीक है। तो ये बेटा एक वे है किस चीज़ का, कि वो गवर्नमेंट को कंपेल कर रहे हैं, कंपेल मतलब कि वो गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हैं दैट गवर्नमेंट टू रिकंसीडर सम ऑफ इट्स डिसीजंस, मतलब कि वो जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस पर दोबारा से विचार विमर्श करो और उसको चेंज करो। अ विथड्रॉल ऑफ एन इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीपल ब्रिंगिंग प्रेशर टू बियर ऑन गवर्नमेंट, मतलब कि बेटा एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो एलपीजी के रेट भर जाते हैं लेकिन बीच बीच में उसको कम भी कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि एलपीजी के रेट बढ़े, ज़्यादा बढ़ गए, इंडियन सिटीजन्स ने उसके अगेंस्ट जो है अपना, उन लोगों ने अपनी जुलूस निकाले, प्रदर्शनी करी, ठीक है, अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत सारे काम करे, तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसके प्राइस को डिक्रीज कर दिया, मतलब कि कम कर दिया, ठीक है। मतलब ये होता है कि जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन पीपल्स हैं, वो अपने आगे गवर्नमेंट को झुकाने पर, मतलब कि बियर ऑन, इसका मीनिंग होता है झुकाना, ठीक है, झुकाने पर मजबूर कर देते हैं, झुकने पर मजबूर कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू माइट हैव हियर्ड सच वर्ड्स एज स्ट्राइक, धरना, बंद एंड आंदोलन। बेटा ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम मोस्टली सुनते आए हैं, कौन कौन सा, धरना, बंद, देश बंद हो जाता है, राज्य बंद हो जाता है, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, ये सब, और स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं बहुत ज़्यादा और सुनते भी आए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज़्यादा होती आ रही हैं। दीज आर द वे ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट एक्शन टू द ऑफ द गवर्नमेंट। भावेश म्यूट करिए अपना। बेटा मोबिलाइजिंग का मीनिंग होता है, उसको अंडरलाइन करिए और ऊपर लिख सकते हैं आप जुटाना,
मतलब कि ये जो धरना होता है ना, धरना आंदोलन हो गया, ठीक है, ये देश बंद, ये क्या चीजें होती है, ये बेटा एकता को दिखाती है किसी भी यूनियन की, मतलब कि किसी भी संघ की एकता को, उनको जुटाने का एक तरीके का, मतलब कि ये देख लीजिए एक राज्य में ऐसा कुछ होता है तो उसी से क्या करते हैं, उसी से अट्रैक्ट होके और राज्य भी सेम चीजें करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक वे होता है लोगों को मोबिलाइजिंग करने का, मतलब कि एक साथ मिलकर जुटाने का। इन अ डेमोक्रेसी बट पीपल शुड नॉट कॉज लॉस टू नेशन प्रॉपर्टीज, मतलब कि उन लोगों को ये हक है कि वो धरना दे सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए प्रदर्शनी कर सकते हैं, जुलूस, मतलब कि ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये हक नहीं है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुँचाएँ, मतलब कि उनका नुकसान करें, ठीक है। आप लोगों को मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, अब आप लोगों का आज का होमवर्क है, कल आप करके लाएंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो मुझे बताएंगे, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स आर अलाउड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब कि हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सभी लोगों को ये राइट है, ये अधिकार है। कृतिका म्यूट करना, अब अनम्यूट मत करना। उन लोगों को बेटा ये अधिकार है किस चीज का, कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, ठीक है, और आवाज किस चीज के लिए उठाएंगे, वो ये इस चीज के लिए उठा सकते हैं जब उनको ये लगता है ना कि ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मतलब कि अनफेयर हो रहा है, मतलब कि न्याय वाली चीज नहीं हो रही यहाँ पर, किसी ना किसी लगा लो आप किसी एक यूनियन का या किसी भी व्यक्ति का इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, तो इंडियन सिटीजन्स को ये राइट है कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, रेज देयर वॉइसेस, ठीक है, समझ आ गई। जैसे हम लोगों ने कल लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा, जब हमने सैटरडे को क्लास ली थी तो हमने एक केस पढ़ा था जसिका लाल का, क्या पढ़ा था कि उसको, उसका जिसने मर्डर किया था उसको बरी कर दिया था, उसको जेल से रिहा कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि इंडियन सिटीजन्स ने मिलकर जब वो रिहा किया, वो जो डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, है ना, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, तो दोबारा से वो केस रीओपन हुआ और उन लोगों को दोबारा से सजा हुई। तो ये क्या होता है, ये एक चीज है बेटा कि इंडियन सिटीजन्स अपनी वॉइस उठा सकते हैं, आवाज बाहर निकाल सकते हैं, और वो अपने अंदर इतनी पावर रखते हैं कि इनजस्टिस को चेंज भी कर सकते हैं जस्टिस, समझ आ गई। Launching movement is also one of the way of showing disapproval of some actions or policies of the government. Launching movements, मतलब कि ये जो आंदोलन होते हैं ना, movements से आंदोलन वगैरह होते हैं, ये चलाए जाते हैं, ये आंदोलन किए जाते हैं, तो ये इनसे हमें क्या देखने को मिलता है, तो इनसे हमें यही देखने को मिलता है कि जो एक यूनियन है, मतलब कि जिसके द्वारा मूवमेंट किया जा रहा है, मतलब जिसके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, वो कोई सा भी यूनियन हो सकता है, मतलब कोई सी भी पार्टी या कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता चल जाती है बेटा कि इन लोगों को गवर्नमेंट से कोई ना कोई इशू है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनाई है, कोई भी रूल डिसीजन लिया है, उन रूल्स डिसीजन पॉलिसीज के ये ग्रुप अगेंस्ट है, इनको ये पॉलिसीज, ये जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट के, वो पसंद नहीं आ रहे, इसीलिए ये ग्रुप उनके अगेंस्ट, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं, वो लोग आंदोलन दिखा रहे हैं वो लोग, ठीक है। द मूवमेंट डिस्प्लेस पीपल्स सॉलिडिटी एंड देयर स्ट्रेंथ, मतलब कि जो मूवमेंट होते हैं ना बेटा, जो आंदोलन होते हैं, वो क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं किसी एक ग्रुप की यूनिटी और स्ट्रेंथ, मतलब कि शक्ति, उनके अंदर कितनी पावर है और उनमें कितनी एकता है, यूनिटी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर सीन हु ऑर्गेनाइज दीज धरनास एंड एगिटेशंस, मतलब कि बेटा हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मूवमेंट्स, मतलब कि ये जो धरना हो गया, आंदोलन हो गया, ठीक है, स्ट्राइक्स हो गई, ये कौन शुरू करता है, दे बिलोंग्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, या तो ये खुद पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, मतलब कि बेटा
जैसे कि अपोजिशन होता है ना, जैसे कि दो एक कोई कंपटीशन है, तरुण म्यूट करिए अपना, एक कंपटीशन हो रहा है, कोई भी कंपटीशन लगा लीजिए, उसमें दो पार्टिसिपेशंस है, ठीक है, दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बंदे, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटर है, वो एक दूसरे के अपोजिशन में, मतलब कि एक दूसरे के अगेंस्ट है, विरोधी है, ठीक है। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट में होता है बेटा, एक होता है जो हमारी सेंटर में काम करती है, जो हमारी पूरे इंडिया पे राज चलाती है, ठीक है, मतलब कि शासन करती है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी काम होते हैं सारा वो करती है। दूसरी होती है, वो क्या होती है, अपोजिशन होती है। जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं तो हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, तो उनमें से जीतती तो कोई एक है, ठीक है, बाकी की सारी क्या हो गई, वो उसके अपोजिशन में हो गई, मतलब कि उसके अपोजिट हो गई, समझ आ गई। तो ऐसे ही बेटा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की अपोजिशन पार्टीज, मतलब कि सामने वाली पार्टीज जो होती है ना, कॉम्पिटिटर पार्टीज, वो क्या करती हैं, वो ये मेन काम करती हैं आंदोलन करने का, मतलब कि मूवमेंट शो करने का, धरना बंद, वो ये इनडायरेक्ट काम कराती हैं, ताकि उनका मेन मोटिव होता है कि जो काम कर रही है ना गवर्नमेंट, उसको परेशान करना, ठीक है। कैसे, दो कॉम्पिटिटर है, या अपने बेस्ट से बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक जीत जाता है तो दूसरा उसको परेशान करने लग जाता है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। और परेशान किस तरीके से करेगा, पॉलिटिकल पार्टी में हम देखेंगे तो धरना प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल के, ठीक है, मूवमेंट्स करके, स्ट्राइक करके, ये सारी चीजें करके। और द अदर अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट आ गई कि, और जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है कुछ, और अपोजिशन मतलब कि उसके सामने वाली, मतलब अपोजिट में जो पार्टी होती है ना कॉम्पिटिटर, वो भी हो सकती है। इन अ डेमोक्रेसी रूल्स ऑफ अपोजिशन इज इक्वल इंपॉर्टेंट। बेटा हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें क्या होता है, एक कोई भी गवर्नमेंट जीते, एक कोई भी पार्टी जीतती है, ठीक है, उसकी सरकार बन जाती है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो ऐसा नहीं है जो पार्टीज नहीं जीती उनका कोई रोल नहीं होता बेटा, वो सेम रोल प्ले करती हैं, ठीक है, इक्वल प्ले करती हैं। अब आप लोगों को एक बात और बताऊं कि जो और बहुत सारी पार्टीज है ना, जैसे हमारे में हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज है, मेन मैं आपको गिनवाती हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है, तो और ये गठबंधन हो गए जिसको एनालिसिस वगैरह बोला जाता है, बहुत चीजें होती है, ठीक है, बहुत अपने अपने स्टेट्स में भी छोटी छोटी पार्टीज होती है। तो इन पार्टीज की वजह से जो मेन सेंटर वाली पार्टी है ना, वो बहुत अच्छे से काम करेगी, किस चीज से, डर से। कैसे, आप लोगों की क्लास में एक मॉनिटर बना दिया, ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी यही बताया था, मैंने मॉनिटर बना दिया तो वो अपनी कंडक्ट करेगा अपनी क्लास को, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि आप लोग सारे उसके अगेंस्ट हो, कुछ होंगे उसके फेवर में, कुछ होते हैं उसके दोस्त, लेकिन बाकी के सारे आप उसके अगेंस्ट हो, आप लोगों को पसंद नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको परेशान करने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप उसको परेशान करने की कोशिश करोगे तो उससे क्लास हैंडल नहीं होगी, ठीक है, क्लास हैंडल नहीं होगी तो उसकी कंप्लेंट्स मेरे पास आएंगी, तो मैं क्या करूंगी, उसको हटा दूंगी। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने, अगेंस्ट वाले लोगों ने, अगेंस्ट वाले बच्चों ने, ठीक है। अब एक पॉजिटिव वे देखो, ये हमने नेगेटिव वे देखा, अब एक पॉजिटिव वे देखो, मॉनिटर को पता है कि अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं हुआ या हुई, अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं हुआ या नहीं हुई, तो ये जितने भी अपोजिशन के बैठे हुए हैं ना मेरे सामने, ये मुझे मेरी सीट से हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये मुझे इतना परेशान करेंगे कि मैं मुझे हटा देंगे, उसको ये चीज डर रहेगा उसको इस बात का, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, वो किसी की बात ही नहीं सुनेगा और वो बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है, वो अच्छे से क्लास भी हैंडल करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि उसके सामने जो अपोजिशन की पार्टी बैठी हुई है ना, अपोजिशन के बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, जो उनको पसंद नहीं करते, मुदित अपना म्यूट कर लीजिए, जो अपोजिशन में बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो उसको क्या डर रहेगा कि मैं हटना चाहूँ, मैं इसलिए अच्छे से अच्छा काम करूंगा, मैं हटना चाहूँ। समझ आया आप लोगों को अपोजिशन पार्टीज का कैसा रोल प्ले होता है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टी का, सेम ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को क्लास का एक एग्जाम्पल दे के समझाया, ठीक है। अपोजिशन सर्व्स एज द चेक अपॉन द
गवर्नमेंट मतलब कि यही है कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, तो अपोजिशन उस पर चेक मतलब कि अंकुश रोक लगाती है, ठीक है, उस गवर्नमेंट पर जो जीती है ना, जो मेन सेंटर पे, उस पर थोड़ा रोक लगाती है ताकि वो अपने पर ना फैलाने लग जाए, मतलब कि ज्यादा हवा में ना उड़ने लग जाए, वो अपने ठीक से टिके रहे और क्या हो, वो ढंग से काम करें, ठीक है। उनको ये डर रहे कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो ये जो हमारे दो पर है ना, वो अपोजिशन पार्टी कट देगी, समझ आ गई। बट व्हेन अपोजिशन अपोज फॉर द शेक ऑफ ओपिनियंस, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स बिकम अ डर्टी अफेयर, मतलब कि ये होता है बेटा, कभी ऐसा हो जाता है कि जो अपोजिशन पार्टीज होती है ना, सामने वाली पार्टी होती है, वो बहुत डर्टी गेम प्ले करती है, मतलब कि बहुत गलत गलत बातें बोलना और बहुत गंदा वे अपनी बात को मनवाने का, जैसे कि धरना, धरने में वॉयलेंस हो जाना, ठीक है, मार धाड़ हो जानी, ये एक गलत वे होता है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम करना, ये एक गलत वे होता है अपोजिशन की साइड से। क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन करेक्टर, मतलब कि बेटा क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना करना, हमने पढ़ा था कि बुराइयां करना, वो भी हमारी जो लोकतांत्रिक है, हमारा डेमोक्रेसी है, उसका मेन पार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई काम करेगा और उसका अगर जनता ने क्रिटिसाइज नहीं किया, मतलब कि वो काम कोई गलत हो रहा है, रूल गलत निकल रहे हैं, जनता ने या तो चुपचाप उसको सहन करेगी तो वो जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी एक टाइम पे, या फिर हमने वो पढ़ा था कौन सा, मोनार्की, राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो गलत है, जनता ने उसका क्या किया, उसका क्रिटिसिज्म किया, मतलब कि उसके अगेंस्ट बोला, समझ आ रही है, तो डेमोक्रेसी एज इट इज बनी रहेगी, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स प्लेज अ विचुअल रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ाया था, पब्लिक ओपिनियन मतलब कि पब्लिक से जनता और ओपिनियन से हमारे विचार, मतलब कि जनमत, बताया था ना, जनता का जन ले लिया और विचारों का हमने मत ले लिया, ओपिनियन, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर्स होते हैं ना बेटा, ये एक बहुत अच्छा, बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, जनता के व्यूज के लिए, किसके लिए, पीपल ओपिनियन के लिए, मतलब कि जो भी वो धरना कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं छोटे छोटे एरिया में, तो वहां से हमें कैसे पता चलता है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चलता है। टुडे टेलीविजन हैज बिकम पॉपुलर, मतलब कि बेटा एक चीज लगा लीजिए कि चलिए न्यूज़पेपर है आप लोगों के पास 24 आवर्स में एक बार आता है मॉर्निंग में, ठीक है, मतलब कि कल जो हुआ वो आज आप मॉर्निंग में पढ़ोगे, परसों जो हुआ, कुछ कुछ न्यूज ऐसी होती है जो आज पढ़ोगे, ठीक है। बट टीवी क्या होते हैं, टेलीविजन क्या होते हैं, जो करंट चल रहा है ना लाइव, वो आपको शो कर रहे हैं, समझ आ गई। आज के टाइम पे बेटा न्यूज़पेपर से ज्यादा प्रेफर किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस किसको दी जाती है बेटा, इसको, टेलीविजन को दी जाती है। और आजकल तो आप लोगों के पास सबके पास सेलफोन्स होते हैं, जो कंटिन्यूसली अपने फोन पे फटाफट अपडेट्स देखते रहते हैं। वी वॉच न्यूज सीरियल्स, लिसन टू म्यूजिक एंड फॉलो द बॉल बाय बॉल गेम थ्रू क्रिकेट कमेंट्री, मतलब कि हम लोग लाइव देखते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, लाइव क्रिकेट देखते हैं, एक एक बॉल की कि इस बॉल पर कितना हुआ, ठीक है, कमेंट्री भी सुनते हैं, मतलब कि जो लाइव चलती रहती है वो सारी चीजें। तो न्यूज़पेपर में तो ये सब पॉसिबल है नहीं, हम टीवी पे देखते हैं। रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर पावरफुल मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज, मतलब कि बेटा ये जो न्यूज़पेपर होता है और ये रेडियो है ना, ये एक तरीके का बहुत मेन पावरफुल सोर्स है, कहाँ पर, रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सेल फोन्स होते हैं और ये सारी चीजें नहीं हो पाती, ठीक है। द न्यूज़पेपर थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल। अ नंबर ऑफ थिंग्स आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब कि बेटा न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वो भी बहुत बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, किस चीज के लिए, कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब कि
पार्टी दल और नेता के बारे में उनको लिखना पड़ता है जो एज इट इज होता है। ठीक है, लेटर्स टू द एडिटर रिफ्लेक्ट पीपल्स व्यू ऑन वेरियस इश्यूज। मतलब कि अब जैसे हमें कुछ बताना है ना, हमें कुछ न्यूज़पेपर में लिखवाना है, कुछ एडिट करवाना है या कुछ भी हमें पब्लिश करवाना है, तो पहले हमें जो एडिटर होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है संपादक, ठीक है, तो उनको पहले हमें एज अ लेटर भेजना पड़ेगा अपने इशू के बारे में कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दिस नोट ओनली मेक द पीपल अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज अराउंड देम बट ऑल्सो हेल्प्स टू मोबिलाइज पीपल्स ओपिनियन। मतलब कि बेटा ये जो होती है ना चीज़ें, जैसे कि आप आज जो चीज़ देख रहे हो, चलो एक एग्जाम्पल लगा लीजिए कि हमारे एरिया में बाल विवाह हो रहा है, मतलब एक लड़की है 12-13 साल की, उसकी शादी हो रही है। आज के टाइम पे 21, मतलब कि जब तक वो लड़की 21 साल की नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं होती, ठीक है, उसकी। अगर उससे छोटी की होती है इसका मतलब वो बाल विवाह है, ठीक है। तो अगर बाल विवाह हो रहा है तो आप लोग, जैसे हो गया, ठीक है, आप लोगों को पता चला, आप लोग पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, ये सारी चीज़ें गलत होती है, ठीक है, वॉयलेंस देख रहे हैं, तो आप लोग क्या है, आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अवेयर होंगे इस चीज़ के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया बेटा, हमारी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अवेयर करती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम अवेयर है, हमें पता है क्या गलत है क्या सही है, तो आप चुप नहीं बैठोगे, आप अपनी आवाज़ उठाओगे, है ना। हमें भी ये चीज़ पता है कि अगर हो रही है तो क्या करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, या तो हम पुलिस को फ़ोन करेंगे या हम न्यूज़पेपर में ये बात देने के लिए डालेंगे। सीधी सीधी बात है, वो लोग आके सारा इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब कि अपनी देख रेख करेंगे क्या वाकई में ऐसी चीज़ हुई है या नहीं हुई या जो भी चीज़ है, समझ आ गई। तो ये शो करती है, जैसे हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ना, रेज अवर वॉइस, मतलब हम आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें होती है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ आज की जो इंडियन सिटीजन है वो अवेयर है अपने राइट्स को लेकर, ठीक है, और उनको पता है क्या अनफेयर है क्या जस्टिस है, ठीक है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, ये सारी चीज़ें पता है। द रोल्स ऑफ मास मीडिया, बेटा मास मीडिया का मीनिंग होता है जो जनसंचार के होते हैं ना माध्यम होते हैं, जैसे हमारे टेलीविजन हो गया, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, फोन्स, ये होते हैं मास मीडिया के, मास मीडिया जिसको बोलते हैं जनसंचार के माध्यम। इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब कि बेटा ये जो मास मीडिया है ना वो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत मेन अपना रोल प्ले कर रहा है। सीधी सीधी बात है, जैसे कि आप लोगों को आज भी पता है, अगर कहीं पे किसी और कंट्री में कुछ गलत हो रहा होता है तो आप टेलीविज़न के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू सेकंडों के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, आपको लाइव शो दिखा देते हैं कि वहाँ पर ऐसा चल रहा है, लाइव ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं पर टेलीविज़न नहीं होता तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू देख लेते हैं, समझ आ रही है आप लोगों को। न्यूज़पेपर 2 या 5 रुपए का आता है आई थिंक, है ना, उन लोगों को वो पता चल जाता है, जो टीवी जिनके पास नहीं होता, इंटरनेट जिसके पास नहीं होता, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो जो मास मीडिया है, मतलब कि जो जनसंचार के माध्यम है, वो आज की लाइफ में जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ आया आप लोगों को यहाँ तक का, सभी को? सभी को समझ आया बेटा? यस मैम। हाँ जी, तो आज का आपका होमवर्क मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो आप अपना पब्लिक प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और हाँ जी, पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज होती है? हाँ, डिफरेंस बताओगे पब्लिक प्रॉपर्टी में और प्राइवेट प्रॉपर्टी में, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को दोबारा से रीड करना है अपना चैप्टर, इन बिटवीन क्वेश्चंस, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कल आप लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक है। मैम आप जो वो इन बिटवीन क्वेश्चन बता दो, वो क्या हासिल करना था? समझ नहीं आ रहा बेटा। मैम जो आप इन बिटवीन क्वेश्चन बता दो। हाँ जी, कृतिका मुझे बेटा कुछ समझ नहीं आया, आप ऐसा करिए मेरे पास मैसेज डाल दीजिए आपको जो प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी बेटा, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू, लीव कर जाइए अब आप लोग, चलिए, बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बेटा, लीव करिए, लीव, मुझे सेकंड और क्लासेस भी लेनी है, आप लोग लीव कर जाइए फटाफट। ओके मैम।
हर्षित, वैभव बेटा लीव करिए, वैभव लीव करिए बेटा, मेरी और भी क्लासेस हैं।